तो आखिरकार वो दिन आ गया जब इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर मामा भांजे के बीच कोल्ड वॉर खत्म हो गई। नहीं समझे? अरे चीची मामा गोविंदा, जी हाँ, उन्होंने फाइनली अपने प्यारे भांजे कृष्णा अभिषेक को माफ कर दिया। सालों से दोनों के बीच में तनाव चल रहा था। रूठे मामा को मनाने के लिए कृष्णा कई दफा पब्लिकली माफी मांगते दिखे। दोनों के बीच पैचअप का बहुत बड़ा क्रेडिट जाने माने होस्ट मनीष पॉल को जाता है। उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई कर नहीं पाया और हर कोई फेल हो गया जिसे करने में। मनीष पॉल का पॉडकास्ट शो इस ऐतिहासिक पैचअप का गवाह बना। इस शो में पिछले दिनों कृष्णा ने रोते हुए अपने मामा गोविंदा से माफी मांगी थी। जी हां, कृष्णा के बाद अब गोविंदा ने मनीष पॉल के शो में शिरकत की है और उन्होंने खुले दिल से अपने भांजे की माफी को स्वीकार किया। मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर गोविंदा का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक्टर से कहते हैं कि कृष्णा यहां पर आकर माफी मांग कर गया है, सर आपको अगर उसे कुछ कहना है तो प्लीज कहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गोविंदा ने फिर कृष्णा अभिषेक के माफीनामे पर बोलते हुए कहा कि कृष्णा के लिए, आरती के लिए आप मेरे फेवरेट बहन के बच्चे हो, मुझे अपनी बहन से बेहद प्यार मिला था, आप लोग वो सुख नहीं भोग पाए इस बात का मुझे बहुत दुख है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे किसी भी व्यवहार की वजह से आप दुखी हो, आप भी वो नहीं है, आपके लिए सदैव ही वो माफी है, प्लीज रिलैक्स, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपका भला करे, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। मनीष पॉल के इस वीडियो पर कृष्णा अभिषेक का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने मामा पर प्यार लुटाया। कृष्णा ने लिखा, मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूं। इसके बाद कॉमेडियन ने हार्ट इमोजी भी बनाया। कृष्णा अभिषेक ने मनीष पॉल के शो पर मामा गोविंदा से माफी मांगते हुए कहा था, चीची मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपको बहुत मिस करता हूं, कभी पेपर्स और उन चीजों पर मत जाना कि मीडिया में क्या आ गया है और क्या लिखा है, मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत मिस करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी वो बेबीज हैं वो मेरे मामा के साथ खेलें। और अपनी बात कहते हुए कृष्णा भी रो पड़े थे। साल 2016 से गोविंदा और कृष्णा के रिश्ते खटकने लगे थे। गोविंदा ने जग्गा जासूस से कमबैक किया था। वो अपनी मूवी का प्रमोशन करने कृष्णा के शो की बजाय कपिल के शो में चले गए थे। फिर 2018 में कश्मीरा ने कमेंट किया था कि लोग पैसों के लिए नाचते हैं। सुनीता के मुताबिक कश्मीरा ने ये कहकर गोविंदा को ताना मारा था। तभी से दोनों परिवारों के रास्ते अलग हो गए थे। सुनीता और कश्मीरा शाह दोनों ने ही पब्लिकली एक दूसरे को काफी कुछ कहा था। गोविंदा जब जब अपने परिवार संग कपिल के शो में पहुंचे, कृष्णा उस एपिसोड का हिस्सा नहीं होते थे। तो दोस्तों, कृष्णा और गोविंदा के इस प्यार भरे रिश्ते पर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहे। सबसे पहले धन्यवाद।